फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। विधायक दल की बैठक से पहले मिले गहलोत कैंप के नेता, नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। धारीवार के घर पर हो रही बैठक का एजेंडा क्या है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही कि यह बैठक अशोक गहलोत के सबसे वफादार नेता के नाम को सीएम पद के लिए आगे करने को लेकर हो रही है। राजस्थान में विधायक दल की बैठक से पहले अशोक गहलोत कैंप के करीब 56 MLA शांति धारीवाल के घर पहुंचे हैं। धारीवाल को अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है। पार्टी विधायक की बैठक से पहले हो रही इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम राज्य के नए सीएम के नाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि धारीवाल के घर पर हो रही बैठक का एजेंडा क्या है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। उत्तराखंड के श्रीनगर में हुआ अंकिता का अंतिम संस्कार। मृतक युवती के पिता ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो हाईवे को खाली कर दें। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने हाईवे को जाम किया हुआ है। उत्तराखंड में रिसोर्ट हत्या मामले में पीड़िता अंकिता भंडारी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंकिता के अंतिम संस्कार से पहले पीड़िता के पिता ने इस घटना के विरोध कर रहे लोगों को समझाया। पीड़िता के पिता के समझाने के बाद ही आम लोगों ने हाईवे को खाली किया। इससे पहले प्रशासन के समझाने के बाद पीड़ित परिजन अब युवती के शव का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए थे। मृतक युवती के पिता ने स्थानीय लोगों से अपील की थी कि वो हाईवे को खाली कर दें। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने हाईवे को जाम किया हुआ है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह पर रखा जाएगा, मन की बात में पीएम मोदी ने कहा। पंजाब और हरियाणा के लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चंडीगढ़ हाईवे का नाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि भगत सिंह की जयंती के ठीक पैरों ने श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। दिल्ली मेट्रो में युवक ने किया एयर वॉक, आप न करें यह गलती भारी पड़ेगा कर्तव्य दिखाना। सिमरनजीत सिंह नामक इस लड़की की प्रोफाइल देखने पर पता चल रहा है कि यह लड़का फिटनेस फ्रीक है और इसी क्रम में इसने यह वाला वीडियो भी शेयर किया है। दिल्ली मेट्रो के अंदर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक मेट्रो कोच के अंदर लगी पाइप को पकड़कर वीडियो बना रहा है। वैसे तो दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो बनाने की मनाही है, लेकिन यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा करना भारी पड़ सकता है क्योंकि इससे जुर्माना लगाया जा सकता है और दूसरी तरफ ऐसा करने से चोट भी लग सकती है, इसलिए दिल्ली मेट्रो के कोच में ऐसे रील्स बनाना भारी पड़ सकता है।